गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है इस नींबू पानी ड्रिंक से, और आज मुझे लेट हो चुका है, 6:30 हो गया। तो मैं 10 से 20 मिनट का वॉक करूंगी। वैसे मैं 5:30 वॉक जाती हूँ जब बिल्कुल अंधेरा होता है, पर आज लेट हो चुका है तो बस 20 से 25 मिनट में वापस आना है। ये बाहर देखिए, ये कैडेट्स जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, और ये रोड वगैरह क्लीन हो रहा है। सुबह के टाइम ज़्यादा टाइम नहीं होता है, कई दिन तो मैं बहुत जल्द उठती हूँ तो लंबा वॉक करती हूँ, अदरवाइज 10 से 20 मिनट करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हिरन बहुत है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और ये हर समय दिखता है, ये हमारे घर के पास ही है ये हिरन। और इसके बाद मैं घर जाके ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ और अब मुझे फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करना है बच्चों के लिए, और फलक शायद उठ गई होगी या उठाना पड़ेगा उसको। मैं यहाँ सब्जियाँ चॉप कर रही हूँ और फटाफट मैं पोहा बनाऊँगी। पोहा बन गया है, मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए, फलक ने ब्रश कर लिया, उसकी दीदी भी ब्रश कर ली है, और मैं ये टिफ़िन पैक कर रही हूँ। फलक को पोहे के साथ नमकीन बहुत पसंद है, तो मैं उसके टिफ़िन में नमकीन भी डाल दूँगी। और फलक स्कूल जा रही है रेडी होके, उसकी दीदी भी उसके पापा उसको छोड़ेंगे। स्कूल बिल्कुल पास में है, मेरे बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद मैं एक कप कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि सुबह का बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है तो मैं थक जाती हूँ, पर थोड़ा सा टाइम 5 से 10 मिनट अपने आप को देना है। तो कॉफ़ी में मैं चीनी नहीं डालती, मैं गुड़ का पाउडर डालती हूँ, और कॉफ़ी और 2 बिस्किट, ये सुबह सुबह मेरा रूटीन है। इसके बाद मैं मिलाती हूँ आपको अपने पेट्स से। ये 2 रैबिट हैं मेरे पास, ब्लैक वाले का नाम हैरी है, वाइट वाले का नाम फ्लफी है। इसके जस्ट बाद मैं अपने प्लांट में थोड़ा पानी डालूंगी। ये मेरे कुछ प्लांट हैं, मुझे प्लांट से बहुत ज़्यादा लगाव है, मतलब बहुत प्यार है, पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, पर जो भी प्लांट हैं उनकी देखभाल मैं करती हूँ। और फिर इसके बाद ये एलोवेरा है, और इस प्लांट को कुछ तो बोलते हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और ये बहुत खूबसूरत होता है, ठंड में ही आता है ये। और ये है शायद, इसको बेगम बहार बोलते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है। ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है, और मेरे हस्बैंड भी पोहा खा के ऑफिस चले जाएंगे, फिर वो लंच टाइम में आएंगे। उसके बाद मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लगूंगी, जिसका वीडियो मैं दिखाना नहीं चाह रही आपको। और मैं होम मेकर तो हूँ, साथ में मैं होम बेकर भी हूँ, तो हर दिन तो नहीं मगर सप्ताह में 3-4-5 दिन तो मेरा केक का ऑर्डर होता ही है, तो मैं वो भी मैनेज करती हूँ। तो आज भी मेरा केक का ऑर्डर है, और वो बच्चों के स्कूल से ही आया है, तो मैं जब फलक को लेने जाऊंगी तो मैं अपना केक डिलीवर कर दूंगी। तो फलक के आने से पहले मुझे केक भी रेडी करना है। फलक की दीदी खुद आ जाती है, दोनों की छुट्टी में आधे घंटे का गैप होता है। फलक 1:30 आती है और उसकी दीदी 2:00 उसकी छुट्टी होती है। केक की वीडियो देखना है तो आप मेरे होम केक चैनल पर जा सकते हैं, वो सिर्फ केक का ही वीडियो मैं वहाँ अपलोड करती हूँ। यहाँ मैं आपको शॉर्टकट में बस एक छोटा सा व्यू दे रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे सब्जियाँ बना लूँगी। सब्जियाँ इसलिए क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते, तो मैं उनके लिए आलू गोभी बना रही हूँ, और बैंगन की सब्ज़ी उसके पापा को बहुत पसंद है। तो मैंने कुकर में बैंगन की सब्ज़ी चढ़ा दी है, और 1 सीटी आते आते बैंगन की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, और साथ में मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन जाएगी। दाल और चावल मैं बाद में बनाती हूँ ताकि वो गर्म रहे, सब्ज़ियाँ बनाने में टाइम लग जाती है, तो बच्चों के आने से पहले मैं सब्ज़ियाँ बना के रख देती हूँ। ये केक का ऑर्डर मेरे बच्चों के स्कूल से ही आया था, तो मैं केक डिलीवर करके फलक को लेते हुए वापस आ जाऊंगी। इसके आगे का ब्लॉग मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब वापस आते समय मुझे एक डॉगी मिला, तो मैंने उसकी भी वीडियो ले ली, और NDA के कुछ व्यू के साथ मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। और आप मुझे सपोर्ट करें, अगर आप देखना चाहते हैं कि डिफेंस की फैमिली कैसे रहती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।